हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हमारे साथ है हीरो एक्सपल्स एडवेंचर एडिशन। वैसे एक टी वाला भी आता है जिसमें आपको ट्रैवल वगैरह कम देखने को मिलता है। ये एडवेंचरस है प्रॉपर। अगर आपको लद्दाख जाना है तो आप ये ले सकते हैं बाइक। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और अगर आपको ये बाइक लेनी हो आप तो धनश्री हीरो मोटोकॉर्प से ले सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। सो साइड से आप देख लो, प्रॉपर एडवेंचर वाली फील दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस लेके लद्दाख ही निकलो, है ना। अभी गौरव गया था वीडियो बनाने और कीचड़ में चला के लाया, हम तो चला नहीं सकते, है ना, ये सीन है। तो डिज़ाइन की बात करते हैं। तो फ्रंट में आपको LED हेडलैम्प देखने को मिलता है, जो कि इसे बहुत ही अप मार्केट फील देता है। तो यहाँ पर आपको LED हेडलैम्प देखने को मिलता है। ये इसके DRL हैं, बहुत ही बढ़िया लुक देता है, काफ़ी सही लग रहा है, गोल गोल सा। और वैसे यहाँ तक तो ये हिमालयन वाला लुक दे रहा है, पर प्रॉपर बढ़िया है। यहाँ पे आपको विंडशील्ड मिल जाती है, इतनी ज़्यादा बड़ी विंडशील्ड नहीं है, मुझे लगता नहीं इतना ज़्यादा कुछ काम कर पाएगी ये। यहाँ पे आपको नकल गार्ड्स मिल जाते हैं, नकल गार्ड्स भी प्लास्टिक के हैं। ये वाला पार्ट भी इसका प्लास्टिक है, तो इतना ज़्यादा ये इफेक्टिव नहीं है, सिर्फ लुक्स के लिए ही है मेरे हिसाब से। तो बाकी इंडिकेटर इसमें आपको हैलोजन मिल जाते हैं। यहाँ पे हाई राइज इसका आपको फ्रंट मडगार्ड देखने को मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। फ्रंट में आपको 190mm सस्पेंशन ट्रैवल मिल जाता है, पीछे 170mm का। तो सॉफ्ट थोड़ा बहुत अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है तो अच्छा खासा आपको यहाँ पे सस्पेंशन ट्रैवल देखने को मिल रहा है। बाकी साइड लुक की बात करें तो यहाँ पे एक्सपल्स की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, अच्छा खासा लुक्स हैं। कलर काफ़ी इसका बढ़िया है, कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, और भी ज़्यादा ये कलर ऑप्शंस में आती है। यहाँ पे आपको 14 लीटर का बड़ा टैंक मिल जाता है। तो ये चीज़ है। की देख लेते हैं। की तो मेरे हिसाब से वही नॉर्मल वाली है जो पैशन वगैरह में आती थी। और साइड से लुक ओवरऑल आप ऐसे चेकआउट कर लो। पीछे आपको टेल लाइट ऐसे मिल जाती है, LED टेल लाइट है, हैलोजन इंडिकेटर्स हैं। पीछे आपको मडगार्ड ऐसे मिलता है। पीछे आपको जो है 18 इंच के अलॉय मिलते हैं, फ्रंट में 21 इंच के। तो अगर टायर साइज़ की देखें तो बिल्कुल प्रॉपर ऑफ रोडिंग वाला यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। स्पोक रिम्स हैं, तो मतलब ऑब्वियसली ये ट्यूबलेस नहीं है। अगर आपको कहीं पंचर हो गई तो काफ़ी दिक्कत झेलनी पड़ सकती है, बट स्पोक वाले हैं तो इनकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसमें मतलब नुकसान भी है, फ़ायदा भी है, दोनों चीज़ें है ना। यहाँ पे सीट इसकी काफ़ी ही पतली है और काफ़ी लंबी है, और थोड़ा सा शॉर्ट राइडर को बैठने में दिक्कत हो सकती है, वैसे कोई इशू नहीं है, है ना। इंजन की बात करें तो इंजन आपको 199.6 cc का मिल जाता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 18.65 bhp एंड 16 के अराउंड यहाँ पे आपको टॉर्क मिलता है। अगर 200 cc के हिसाब से देखें तो पावर उतनी ज़्यादा नहीं है, बट अगर प्राइसिंग आप देखें तो उस हिसाब से इसमें पावर ठीक ठाक आपको देखने में मिल जाती है। नॉर्मल पावर लैग वगैरह आपको फील नहीं होगा अगर आप पहाड़ों में जाते हो तो। यहाँ पे आप अपना टॉप बॉक्स वगैरह भी लगा सकते हो। तो ये सब चीज़ें, लैग गार्ड इसमें पहले से आपको देखने में मिलता है। लुक्स चेकआउट कर लो, बहुत ही बेहतरीन। तो ये सब चीज़ें, बढ़िया डिज़ाइन लग रहा है ऐसे देखा जाए तो, है ना। एग्जॉस्ट इसका ऊपर तक जा रहा है, एक बार इसकी आवाज़ सुन ही लेते हैं कैसी आवाज़ देखने में मिलती है। अब जैसे इसमें 200 सीसी का इंजन है, उस हिसाब से पावर तो नहीं है, देखते हैं आवाज़ है कि नहीं। देखिए आवाज़ बिल्कुल वैसी है जैसी एडवेंचर टूरर की होती है नॉर्मली, क्योंकि ज़्यादा बेसी वाली तो आवाज़ नहीं होती, तो वैसा ही कुछ इसमें चीज़ें मिल जाती है आपको। यहाँ पे एक यूज़फुल चीज़ मिलती है, इंजन बैश प्लेट। अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, नीचे से पत्थर वत्थर लगता है तो डायरेक्ट इंजन को नहीं लगेगा और आपका इंजन सेफ रहेगा। तो ये एक सेफ्टी फीचर यहाँ पे आ जाता है। अब देख लेते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इसका हैंडल बार देख लेते हैं। हैंडल बार ऑब्वियसली काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी वाइड है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें इंफॉर्मेशन काफ़ी मिल जाती है। इसे आप फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ से। सारी वार्निंग लाइट हो गई, यहाँ पे सब कुछ डिजिटल है, ठीक है। आपको एवरेज भी देखने को मिल रहा है, ट्रिप 1 ट्रिप 2 सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे पेयरिंग का सीन आ गया। तो ये सब चीज़ है, आप यहाँ पे की लगा सकते हो, थोड़ा ऑफ सेंटर है। बाकी ये सब चीज़ें, फ्रंट और रियर दोनों में ही इसमें आपको डिस्क मिलेगा और बहुत ही बढ़िया ब्रेकिंग होगी ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि थोड़ी लाइट वेट बाइक है और ये ब्रेक्स वगैरह मिल जाते हैं। डुअल चैनल ABS है, तो ये सब चीज़ें इसमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से ये बाइक एक नंबर है अगर आप लेना चाह रहे हैं बजट में कोई एडवेंचर टूरर, क्योंकि इसका प्राइस जो है 1,62,000 के अराउंड पड़ता है। प्राइसिंग के हिसाब से यार जो भी चीज़ हमें मिल रही है ना, वो काफ़ी लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन है।
तो गाइज जैसे मैंने इंजन की बात करी तो इसके मैं माइलेज की बात करना चाहूँगा। तो जैसे इसमें 200 सीसी का इंजन मिलता है, पावर उस हिसाब से नहीं मिलती, पावर थोड़ी कम मिलती है, और माइलेज भी इसका 40 के अराउंड मिलता है। जैसे अभी हम यहाँ पे देखें तो माइलेज देखा जाए तो देखो 19 का ही दिखा रहा है, तो इतना ज़्यादा तो कोई है नहीं है। तो ये थोड़ा इशू मुझे लगा कि यार इतनी थोड़ी कम पावर दे रहे हो तो माइलेज तो कम से कम ज़्यादा दो। अगर 45 के अराउंड होता, कंपनी क्लेम कर रही है 45, तो 40 तो मिले कम से कम। तो ये चीज़ें हैं, बाकी तो सब कुछ इसमें बढ़िया ही है। ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है यहाँ पे, इसका ऑयल कूल मतलब ऑयल को कूल करने के लिए यहाँ पे इसका रेडिएटर मिल जाता है। तो ये है ना, सब कुछ मैंने बता ही दिया। शॉर्ट सी वीडियो थी, क्विक सी वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।